वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि गाली नहीं दूंगा, कुछ अच्छा ही बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान के बीकानेर शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बने हुए पूर्णरासर हनुमान जी मंदिर के बारे में। दोस्तों रेत की टीपों से घिरा हुआ पूर्णरासर गाँव हनुमान जी महाराज की जागृत धाम है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पैदल आते हैं। अब यार बात कर लेते हैं इसकी स्थापना के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों कहते हैं विक्रम संवत 1774 में यहाँ पर भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था। लोग अनाज और मजदूरी की तलाश में दूर दूर निकल पड़े थे। तो पूर्णरासर गांव के ही जयराम दास जी बोथरा नाम के एक इंसान पंजाब गए थे अनाज या फिर मजदूरी की तलाश में। जब वो वापस लौट रहे थे अपने अनाज को अपनी ऊँटनी पर लाद कर, तो रस्ते में ही ऊँटनी का पैर टूट गया और उन्हें अपनी पूरी रात जंगल में बितानी पड़ी। उनके साथियों को उन्होंने समझा बुझाकर गांव वापस भेज दिया। उन्होंने कहा मैं वापस अपने आप आ जाऊंगा। सब लोग चले गए। जयराम दास जी बोथरा जंगल में अकेले चिंता से मग्न हुए बैठे थे। जब वो चिंता में थे और उन्हें नींद आ गई, तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई उनको उठा रहा है। जब उठकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो उन्होंने डर कर अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद करते हुए कहा कि आप जो कोई भी हैं मेरे सामने आइए, मुझे डर लग रहा है, आप जो भी हैं दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी महाराज साधु का वेश धारण कर वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम चिंता में हो और कष्ट में हो। तो उन्होंने खेजड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा पड़ी है इसे अपने साथ ले जाओ और गांव में इसकी स्थापना करके इसकी पूजा करना, सारे संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। जयराम दास जी बोथरा ने कहा मेरी ऊँटनी का तो पैर टूट गया है, मैं घर वापस कैसे जाऊँगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी ऊँटनी एकदम ठीक है, तुम जाओ। तब वो जाकर देखते हैं तो ऊँटनी एकदम सही सलामत मिलती है और वो उस मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं और गांव में जाके उसकी स्थापना कर देते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही वो उसकी पूजा में थोड़ी कोताही बरतने लगते हैं, पूजा में थोड़ी कमी करने लगते हैं। तो हनुमान जी महाराज का उनके साथ दूसरा चमत्कार हुआ। वो रात को जब अपने घर में सोते थे तो उठते समय वो अपने आप को हनुमान जी के मंदिर के सामने उस खुले मैदान में पाते थे। जब ये कई बार होने लगा तो उन्होंने हनुमान जी को फिर से याद किया। तो हनुमान जी ने फिर से उन्हें कहा कि तुम पूजा में जो कोताही बरत रहे हो उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, मंदिर की सही तरह से पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बनिया हूँ, ये पूजा का काम तो ब्राह्मणों का होता है। हनुमान जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम और तुम्हारा परिवार निसंकोच होकर मेरी पूजा करो, तुम्हारी साधना में कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। तो उसी समय से पीढ़ियों से ही वो परिवार आज तक मंदिर की पूजा करता आ रहा है। हर साल मंदिर की स्थापना दिवस ज्येष्ठी पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख मेले चैत्र भाद्रपद और आसोज में होते हैं। लोग यहाँ से दूर दूर से पैदल आते हैं। बीकानेर से एक बहुत ही बड़ा जत्था यहाँ पर पैदल आता है पूजा के लिए। दोस्तों मंदिर के साथ ही गांव के बाहर बना हुआ है अंजनी माता का मंदिर। इसका इतिहास इस तरह है कि बीकानेर के एक स्वर्णकार को सपने में हनुमान जी ने कहा कि मेरा जो मंदिर है उसको बाद में बनाना, पहले मेरी माता का एक मंदिर बनाना चाहिए। तो गांव के बाहर ही उस स्वर्णकार ने और कई लोगों ने मिलकर एक भव्य अंजनी माता का मंदिर बनाया हुआ है। दोस्तों यह मंदिर हनुमान जी के मुख्य मंदिर से भी कई ज़्यादा भव्य है। इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि मंदिर के आगे से गुजरने वाली रोड से ही मंदिर के अंदर की मूर्ति की सीधे दर्शन होते हैं। ये इस मंदिर की कला है। दोस्तों अंजनी माता के मंदिर के बाद पूर्णरासर हनुमान जी मंदिर का काम फिर से शुरू हुआ। मंदिर का काम एक बार रोक दिया गया था क्योंकि अंजनी माता का मंदिर पहले बनाना था। पूर्णरासर हनुमान जी का मंदिर आज भी बन रहा है धीरे धीरे। दोस्तों मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है उसके साथ ही एक खेजड़ी के नीचे भी हनुमान जी महाराज का धाम है। मंदिर में अखंड सुंदरकांड के पाठ हर समय चलते रहते हैं। तो इसी तरह पूर्णरासर हनुमान जी मंदिर एक जागृत धाम है जहाँ से लोग दूर दूर से अपने कष्ट को दूर करने की मांग करने के लिए आते रहते हैं। लोग अपने बच्चे का पहला मुंडन जो होता है वो भी यहाँ पर कराने के लिए आते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।